खेसारी वर्सेस पवन सिंह। जी हाँ, ये दोनों का तो भाई 36 का आंकड़ा है। भले ही ये दोनों अपने आप को अब एक दूसरे का दोस्त बताते हों, लेकिन आपको ये बता दें कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक मौका तक नहीं छोड़ सकते। अभी आपने देखा ही होगा कि हाल ही में एक यूट्यूबर को पवन सिंह ने जो धमकी दी है, वो यूट्यूबर खेसारी लाल यादव का चहेता है, या यूं कह लें कि लोगों की जुबान में कि वो खेसारी लाल यादव का चमचा है। और अब खेसारी लाल यादव सुनने में आ रहा है कि उस यूट्यूबर के बचाव में भी आ सकते हैं। खैर, इस मुद्दे में नहीं पढ़ते हैं, आगे बढ़ते इसलिए हैं क्योंकि खेसारी लाल यादव के जो गानों का व्यूज़ है और पवन सिंह के गानों का व्यूज़ है, दोनों का व्यूज़ लमसम सेम ही है। कोई थोड़ा सा ऊपर है तो कोई थोड़ा सा नीचे है। वैसे ये भोजपुरी इंडस्ट्री है, वो है जो भी इंडस्ट्री हो, वहाँ पर कोई भी सुपरस्टार एक तरफा एक छत्र राज नहीं कर सकता, फिर वो साउथ के ही क्यों ना हो। रजनीकांत से बड़ा सुपरस्टार साउथ में कौन है? लेकिन क्या वो नंबर वन की कुर्सी पर आज भी विराजमान है? उन्हें एक रिस्पेक्ट के साथ साउथ की इंडस्ट्री में वहाँ जगह दी गई है जहाँ आज तक साउथ का कोई भी स्टार नहीं पहुँच पाया है। तो ठीक, हमें भी इसी तरह सोचना चाहिए। आज भोजपुरी स्टार्स इतने ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हो गए हैं कि अपने गानों को लेकर ही एक दूसरे में द्वंद्व छेड़ देते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ सोचने की बात ये है कि हमारे भोजपुरी स्टार्स कुछ बोले ना बोले, उनके चमचे ज़रूर बोलते हैं, चाहे वो पवन के चमचे हों या फिर खेसारी के चमचे हों या फिर अक्षरा के चमचे हों, जिन्हें सो कॉल्ड हम फैंस भी कहते हैं। लेकिन क्या ये फैंस असली फैंस हैं? अगर ये असली फैन होते तो क्या खेसारी और पवन के हर व्यूज़ एक दूसरे को अकेले टक्कर नहीं देते? टक्कर तो उनका हर एक वीडियो देता, फिर क्यों कोई गाना बहुत ज़्यादा हिट होता है और बहुत कम हिट होता है? ये बात तो पवन खेसारी निरहुआ तीनों पर लागू होती है, क्योंकि भाई यहाँ पर लोगों को मोटिवेट कम किया जाता है, डीमोटिवेट ज़्यादा किया जाता है, अपने ही अपनों का गला काटने के लिए है। जिस दिन भोजपुरी इंडस्ट्री को ये बात समझ में आ जाएगी कि हम उसी मोतियों की माला की तरह हैं, जहाँ एक मोती उस माला से टूटी तो सारी माला बिखर जाएगी, और यहाँ तब से ये कंपटीशन ख़त्म होकर हेल्दी कंपटीशन शुरू हो जाएगा, जहाँ लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे, प्यार की नज़र से देखेंगे, और गाली गलौज तो दूर दूर तक नहीं होगी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।